Hello, good morning students. Our chapter is heat. So what we have seen in our last class? In our last class, we have already discussed about thermometer. Okay, और thermometer में अपन ने बात की थी clinical thermometer and we also have discussed about digital thermometer and laboratory thermometer. Understand? Okay, now and we also have discussed about thermometer scale, जिसमें अपन ने देखा था Fahrenheit में, degree Celsius में, और अपन ने बात की थी कि Kelvin में अपन temperature जो है उसको measure कर सकते हैं, और इनका अपन ने देखा था conversion कि अगर Fahrenheit में दिया हुआ हो तो उसको degree Celsius और Kelvin में कैसे convert करें, degree Celsius में दिया हुआ तो उसको फारेनहाइट और कैल्विन में कैसे कन्वर्ट करें, और इसी टाइप से अगर कैल्विन में हो तो उसको फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में कैसे अपन कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये कन्वर्जन के बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था. ओके, एंड वी आल्सो हैव डिस्कस समथिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट. ठीक है, इसके जो मेथड्स हैं हीट ट्रांसफर के, उसके बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था. ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट. ओके, सो आवर टुडेज टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ हीट. ओके, ट्रांसफर ऑफ हीट, अंडरस्टैंड. सो इसमें अपन बात करेंगे कि आपने देखा होगा कि जब फायर प्लेस होता है विंटर सीजन में, तो आप अपने हैंड करते हो तो आपको गर्म फील होता है. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है. इसी टाइप से अगर आपने देखा होगा कि जब आपका जो स्टोव है या फिर जो भी गैस चूल्हा वगैरह है, उस पर आपने क्या क्या किया, आपके पास में क्या है, एक आपका आपने स्टोव पे कुछ वाटर रखा है उसको बॉईल करने के लिए. तो जैसे वो स्टोव पे रखा हुआ है तब आप उसको बॉईल कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो वो बॉईल हो जाता है. एंड देन आफ्टर आप क्या करते हो, उसको जो वहाँ से रिमूव करते हो स्टोव से, तो आप ये देखते हो कि आपका जो कंटेनर है जिसमें आपने वाटर को बॉईल किया था, उस कंटेनर को अगर आपने वहाँ से रिमूव किया, तो आफ्टर सम टाइम जब आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो तो क्या होता है उसमें, कि वो फिर से कूल डाउन हो जाता है. अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये अपनी कुछ थिंग्स हो गई. ठीक है, अपन इन इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ों को देख सकते हैं. इसी टाइप से अपन जो फूड है वो बनाते हैं. ठीक है, तो जब फूड बनता है तो काफ़ी हॉट होता है, काफ़ी गर्म होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है. तो ये क्या हो रहा है कि इसमें पहले क्या हो रहा था, इनको हीट मिल रही थी, और अभी क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, जैसे अपन ने कंटेनर देखा गैस स्टोव में जिसमें अपन ने वाटर बॉईल किया था, तो उसमें भी अपन ने क्या किया कि जैसे वहाँ से अपन ने इसको हटा लिया, तो जो बॉइल वाटर है उसमें क्या हो रहा है, जब वो स्टोव के ऊपर है तो वो क्या कर रहा है, हीट को गेन कर रहा है. ठीक है, फिर क्या होगा कि जैसे अपने स्टोव से रिमूव किया, तो वो अपनी हीट को क्या कर देता है, अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में उस हीट को क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है. ठीक है, अब हीट को अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर रहा, तो वो क्या हो गया, उसका हीट का ट्रांसफर हो गया, अपनी हीट को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है. इसी तरह से अपन बात कर सकते हैं और अपने जो भी फूड मटेरियल वगैरह है, आप ये इस चीज़ को इस तरह से देख सकते हो, जैसे करी वगैरह फिर वेजिटेबल वगैरह कुछ बनाए भी हो, तो जब आपका जो कंटेनर है उस कंटेनर के आसपास अगर आप अपने हैंड करोगे, तो आपको फील होगा कि उसकी जो गर्माहट है वो फील होगा, और आपको ऐसे लगेगा कि इस कंटेनर से हीट जो है वो आपके हैंड तक आ रही है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, अपनी हीट ट्रांसफर की. अंडरस्टैंड? नाउ अब ये जो अपना हीट है, ठीक है, इसको आप कैलोरीज में और क्या कर सकते हो, जूल में इसको मेजर किया जा सकता है. तो कैलोरीज और जूल जो है वो क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई. अंडरस्टैंड? ये क्या हो गई, अपनी इसकी यूनिट हो गई. अब अपन बात करते हैं हीट ट्रांसफर कैसे होता है. तो इसका एग्जांपल जैसे अपनी लास्ट क्लास में अपन ने आयरन रोड लेके और कैंडल लेके देखा था. ठीक है, तो उसमें अपन ने क्या देखा कि अपन क्या करें, उसको बर्न करें. जैसे अगर उसी टाइप से अपन एक एग्जांपल और इसमें ले सकते हैं, जैसे अपने पास में ये क्या हो गई, अपनी कैंडल हो गई. इस कैंडल को अपने इस तरह से बर्न किया हुआ है, कैंडल को क्या किया हुआ है, बर्न अपन कर रहे हैं. ठीक है, तो जब अब इस कैंडल को अपन बर्न कर रहे हैं, यहाँ पर अपन क्या ले लेंगे, एक स्पून अपनी अपन ले लेंगे. अंडरस्टैंड? अब क्या करेंगे, स्पून को अपन यहाँ पे इसको हीट कर रहे हैं. तो जब आप इसको इस तरह से हीट कर रहे हो, तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग में आपकी जो स्पून है वो क्या होगी, आपकी सिर्फ ये यहाँ से गर्म होगी. आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि ये यहाँ तक बिल्कुल से लास्ट तक, जब आप लॉन्ग टाइम तक इस स्पून को इस कैंडल के ऊपर रखोगे, तो क्या हो जाएगी, आपकी जो स्पून है वो कम्प्लीट क्या हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, हीट इसके लास्ट एंड तक जो है वो पहुंचेगी. लास्ट में आप देखोगे कि इसका ये जो एंड है यहाँ पे भी आपको कैसा फील होगा, हॉट फील होगा, क्योंकि अभी जो हीट है वो मैंने आपको बताया भी था आपकी, कि जो सॉलिड
सॉलिड अपने मटेरियल्स होते हैं उनमें हीट क्या होती है, इस तरह से वन मॉलिक्यूल से अनदर मॉलिक्यूल में, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से बिल्कुल कंजस्टेड होते हैं और ये लास्ट फिर इसके लास्ट मॉलिक्यूल के पास में आएगी तो हीट क्या हो जाएगी, ये पूरी जो स्पून है वो हीट हो जाएगी, अंडरस्टैंड। तो ये तो अपनी बात होगी हीट ट्रांसफ़र की, और हीट ट्रांसफ़र जो है वो क्या होता है अपने सभी टाइप के मटेरियल्स में होता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस सब में हीट ट्रांसफ़र होता है। किस में कैसे होती है, किस में कौन से मेथड से होती है, तो इनके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव इज मोड्स ऑफ, ओके, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो क्या हो गया, मोड्स ऑफ हीट, कि हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है वो कौन कौन से मेथड से ट्रांसफ़र होगी, ओके, कौन कौन से मेथड से ट्रांसफ़र होगी। सो एज वी ऑल नो दैट हीट हमेशा क्या करती है, जो हॉटर ऑब्जेक्ट होता है या फिर आप बोल सकते हो कि जो हॉटर मीडियम ऑफ हीट होता है उससे ये कहाँ पे होती है, कोल्डर, ठीक है, जो अपना कोल्ड सब्सटेंस होता है उससे ये हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये जो इस तरह के हीट का ट्रांसफ़र होने का जो मैकेनिज्म है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होता है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस पे अकॉर्डिंग इस डिफरेंट स्टेट ऑफ सब्सटेंस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो हॉटर ऑब्जेक्ट से ये किस में होती है, कोल्डर ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफ़र होता है। जैसे अपन ने देखा ना, बॉइल वाटर अपन ने जब स्टोव से आपने रिमूव किया तो क्या हुआ कि पहले जब अपन ने देखा कि जैसे अब आप चाहे इसी की बात कर लो, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे क्या है, हीट ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, हॉटर अपना ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ से हीट क्या हो रही है, इस क्योंकि स्पून अभी तक क्या हो गई, स्पून जो है वो क्या है, कोल्ड है, किससे कोल्ड है, इससे कोल्ड है, ठीक है। तो हीट यहाँ पे ज़्यादा हीट कहाँ हो गई अपनी, यहाँ हो गई, तो ये हीट इसमें ट्रांसफ़र हो रही है। फिर जैसे आप इस स्पून को यहाँ से रिमूव करोगे तो क्या होगा, जब आपने इसको तो हटा दिया तब क्या फिर है, जैसे आपने इस कैंडल को हटा दिया, ठीक है, तो क्या हुआ कि अब कहाँ पे है हीट ज़्यादा, इस स्पून के अंदर हीट ज़्यादा और इसके सराउंडिंग हीट क्या है, कम है। तो ये क्या करेगी, आप जब इसके पास में हैंड लाओगे या फिर जैसे जब आप इसके पास में हैंड लाओगे बहुत पास में, तो आपको गर्म फील होगा, क्योंकि ये अपनी हीट को क्या करिए, अपने सराउंडिंग जो इसके सराउंडिंग जो भी इन्वायरमेंट है उसमें हीट को इस तरह से रिलीज़ कर रही है। इसी तरह से अपन ने क्या लिया, एक बॉइल वाटर का जो एग्जांपल है वो अपन ने लिया, तो जब अपन इसको हीट दे रहे हैं तब तो ये क्या करिए, ज़्यादा हीट यहाँ पे है तो ये हीट को ऑब्जर्व करेगी। फिर जैसे अपन ने इसको स्टोव से रिमूव किया, अब स्टोव से रिमूव किया तो इसका आसपास जो भी सराउंडिंग है उसमें तो हीट कम है, तो उसमें अगर हीट कम है तो इस कंटेनर से हीट क्या करेगी, बाहर की तरफ क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, क्योंकि बाहर जो एरिया है वो कोल्ड है, ओके, अंडरस्टैंड। तो ये अपनी क्या हो गई, हीट ट्रांसफ़र के मोड्स हो गए, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र किस किस मेथड से होती है या फिर कौन कौन से मोड्स अपने हीट ट्रांसफ़र के होते हैं, सो वी हैव थ्री मोड्स ऑफ हीट। फर्स्ट वी हैव इज कंडक्शन। फर्स्ट अपना जो हीट ट्रांसफ़र का मेथड है वो क्या हो जाएगा आपका, कंडक्शन। एंड देन नेक्स्ट वी हैव इज कॉन्वेक्शन। नेक्स्ट जो अपना मेथड है वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्शन, ओके, ये नेक्स्ट मेथड अपना हो गया। नेक्स्ट वी हैव इज रेडिएशन, ओके, तो ये अपने क्या हो गए, थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ये अपने क्या हो गए, थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो गए। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंडक्शन। कंडक्शन जो मेथड है उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सो अपना ये जो मेथड है, इस मेथड में अपन क्या करते हैं, देखो वैसे तो बेसिकली अगर अपन बात करें कि तो कंडक्शन का जो मेथड होता है, इस मेथड के थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैस सभी सब्सटेंसेस में क्या होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है। बट अगर अपन बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में लिक्विड और गैस की कंपैरिजन में इस मेथड से क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनमें हीट ट्रांसफ़र जल्दी होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि अपन ने बात की थी कि जो अपना सॉलिड होता है उसमें इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से कंजस्टेड होते हैं, तो ये जो कंजस्टेड पार्टिकल्स होते हैं, अब इनमें क्या होता है, जैसे इनको हीट मिलती है तो इनमें क्या होती है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो इंक्रीज होती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो इनमें मूवमेंट होता है, ठीक है, मूवमेंट होगा तो क्या हो गया, ये वाइब्रेट होंगे, क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे, तो वाइब्रेशन से इनमें हीट जो वो ट्रांसफ़र होती है। तो ये जब इसको हीट मिल रही है तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। अब इससे ये टच में है,
ठीक है, क्योंकि अपन ने देखो लिक्विड में अपन देखते हैं कि थोड़ा स्पेस इनके बीच में होता है, और गैस में अपन ये देखते हैं कि काफ़ी सारा स्पेस इनमें होता है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच के देखो कि ये जो वाइब्रेट होंगे तो इनका वाइब्रेशन इनके पास जल्दी से पहुंचेगा या फिर इनके पास जल्दी से पहुंचेगा या फिर इन पे, तो आप इस तरह से इसमें समझ सकते हो कि ये क्या होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अटैच होते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि इनका ये जो वाइब्रेशन है इनके जस्ट पास वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ये वाइब्रेशन जल्दी से पहुँचता है, और इसीलिए यही रीज़न है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं या फिर आप बोल सकते हो कि अपने जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उनमें क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र जल्दी होता है इस मेथड के थ्रू। अपन सिर्फ अभी इसी कंडक्शन जो मेथड अपना पर्टिकुलर इसी मेथड की अपन बात कर रहे हैं, इस मेथड से क्या, इस मेथड के थ्रू क्या होती है, जो सॉलिड सब्सटेंसेज होते हैं उनमें हीट ट्रांसफ़र क्या होती है, जल्दी होती है। तो अपन ने ये तो बात की थी, ठीक है, इस तरह से मॉलिक्यूल अपन ने देखा था कि जैसे ये हीट करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो ये क्या होगा, वाइब्रेट होगा तो ये अपने पास वाले को जल्दी से वाइब्रेट कर देगा, ठीक है, पास वाले के पास ये जल्दी से हीट को ट्रांसफ़र कर देगा क्योंकि ये वाइब्रेट हो रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, देन उसमें क्या हो जाएगा, हीट जो वो ट्रांसफ़र करेंगे, और इसी टाइप से ये एक दूसरे को इस तरह से हीट जो है वो ट्रांसफ़र करते रहते हैं, ठीक है। और लास्ट में अपन देखते हैं कि इसका जो लास्ट मॉलिक्यूल तक क्या हो जाती है, इस तरह से हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये अपन ने देख लिया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज, अब आप ये बोल सकते हो कि इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है, देखो जैसे अपन ने इसमें देखा तो ये किस पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, जो भी अपना सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना गैप है उस पर इसका जो हीट ट्रांसफ़र है वो डिपेंड करता है। अब इसको और अच्छे से अपन कैसे समझ पाएंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे अपन ने लास्ट क्लास में ग्लास रोड को लेके देखा था, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, ये बर्नर ले लिया, ये क्या हो गया, बर्नर हो गया, और इसको मैंने क्या किया हुआ है, जलाया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये मैंने एक ग्लास या फिर बोल सकते हैं आयरन रोड मैंने यहाँ पे ले ली। अब इस आयरन रोड पे क्या किया मैंने, ठीक है, ये अपनी क्या हो गई, आयरन रोड हो गई। देखो इसको इस तरह से आप अच्छे से समझ सकते हो, ये क्या हो गई, आयरन रोड हो गई। अब इस आयरन रोड पे अपन ने क्या किया, इसको इस तरह से अपन ने स्टैंड लगा के इधर ये इसको लगाया हुआ है, ठीक है। अब अपन ने इस आयरन रोड पे किया क्या है, इन पर्टिकुलर जो स्पेस है उस पर अपन ने आयरन नेल लगा दी। आयरन नेल को अपन ने कैसे स्टिक किया, कैसे इस आयरन रोड पे चिपकाया है इसको, वैक्स से, किसे, मोम आप बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो वैक्स, ठीक है। तो इस वैक्स से अपन ने यहाँ पे अपने कुछ स्पेस पे अपन ने क्या कर लिया, जो आयरन नेल है उसको चिपका दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गई, आयरन नेल चिपका दिया। फिर अपन ने क्या किया कि जैसे इसको हीट मिलेगी, तो अपन यही तो बात कर रहे हैं, जैसे इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इस तरह से अटैच हैं, तो ये मॉलिक्यूल किसको हीट करेगा, अपने पास वाले को जल्दी से वाइब्रेट करेगा, उसको हीट करेगा। नेक्स्ट वाला जो है वो और पास वाले को हीट करेगा, तो इस तरह से क्या होगा, इसमें जो हीट है इसके मॉलिक्यूल जो है वो अपने पास वाले को हीट जो है वो ट्रांसफ़र करते रहेंगे। और इसी तरह से जैसे अगर अपन बात करें, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये इस तरह से क्या करेंगे, हीट को ट्रांसफ़र करते रहेंगे। तो अपन क्या देखेंगे, अपन ये देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स वाला जो मेथड है ना, कि हर कोई अपने पास वाले मॉलिक्यूल को जल्दी से वाइब्रेट करेगा, उसको हीट ट्रांसफ़र करेगा। तो आप इसको कैसे समझ सकते हो, अपन ये देखेंगे कि सबसे पहले इसमें जो अपनी आयरन नेल है, ये जो इस बर्नर के पास में है, जो जितना करीब है वो उतना जल्दी गिर जाएगी, क्योंकि ये जो वैक्स इसमें लगाया हुआ है, जब इसको इस तरह से हीट मिलेगी, इस तरह ट्रांसफ़र होके, तो ये वैक्स और मोम जो भी अपना वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और जैसे ये मेल्ट होगा आयरन नेल जो है वो फोल्ड डाउन हो जाएगी। इसी टाइप से नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट आयरन नेल हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हीट ट्रांसफ़र होगी, वैसे वैसे आयरन नेल जो है वो मेल्ट, आयरन नेल की जो वैक्स है या फिर मोम है वो मेल्ट होगी, और आयरन नेल्स जो है वो नीचे गिर जाएगी, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से अपना क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हो कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स के थ्रू क्या होता है, इनमें वाइब्रेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज होती है, और क्या हो जाता है, इनमें जो नेल्स है वो मेल्ट हो जाते हैं, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि ये जो सॉलिड्स होते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कि कंडक्शन जो है इस मेथड के थ्रू, या फिर आप बोल सकते हो
कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी हो सकते हैं और बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी हो सकते हैं. ओके, सो अबाउट दिस टॉपिक अबाउट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, तो अगर अपन बात करें गुड कंडक्टर ऑफ हीट की, ठीक है, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट इनके मॉलिक्यूल्स को अपन कब कहेंगे, जब ये क्या करें, हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो अब अपन ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये क्या हो गए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो गए. ओके, तो इस तरह से जो अपने सबस्टेंसेज हो, ठीक है, अपने क्या है, सबस्टेंसेज है, इन्हीं सबस्टेंसेज को अपन ने क्या किया, टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. एक अपन ने इसकी कैटेगरी बना ली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और एक कैटेगरी अपन ने क्या बना ली, बैड कंडक्टर ऑफ हीट इसमें अपन ने बना ली. अब गुड कंडक्टर अपन कौन से सबस्टेंस को कहेंगे, जो सबस्टेंस क्या करते हैं, अपनी हीट को फ्लो होने देते हैं अपने अंदर से, वो तो क्या हो गए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट. और अगर अपन बात करें बैड कंडक्टर ऑफ हीट की, तो जो सबस्टेंसेज अपने अंदर से एलो नहीं करते हीट को ट्रांसफ़र होना, वो अपनी क्या हो गई, बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो गई. अंडरस्टैंड, तो इस तरह से अपन ने क्या कर दिया. जैसे अगर अपन बात करें प्लास्टिक है, वो बिल्कुल भी जल्दी से गर्म नहीं होता. आपके क्लोथ्स हैं, आपने अपने किचन में या फिर अपने हाउसेस पे देखा भी होगा कि जो अपना इस तरह से कंटेनर होता है स्टोव पे जो रखा हुआ, आप फूड प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि क्लोथ से उसको कैच किया जाता है, मतलब होल्ड किया जाता है, जो भी अपने कंटेनर वगैरह होते हैं तो क्लोथ से उसको होल्ड किया जाता है, क्योंकि क्लोथ्स जो हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. इसी टाइप से अपने पास में क्या हो गया, प्लास्टिक हो गई, वो भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो गई. ठीक है, वुड हो गई, ठीक है, वो इतनी जल्दी से फायर को कैच, सॉरी, इतनी जल्दी से वो हीट उसमें नहीं होती. ठीक है, तो ये अपने हो गए कुछ एग्जाम्पल्स. ओके, सो इनफ फॉर टुडे, आर फर्दर चैप्टर वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.